ये वाला पूरा नहीं हुआ शायद। कितना हुआ था देव राय? 12 नहीं, ये 17 वाला हो गया था। 17 वाला हो गया था क्या? 18 से चलो स्टार्ट करो, अभी 18 से स्टार्ट करो। 18 से बोलो क्या करेंगे। 18 में साइंस स्क्वायर एक्स बाय टू दिया है। 18 हो गया था। 19 हेलो बोलो, 19 हो गया क्या? अरे बोल रहे क्या, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की कुछ? हेलो हाँ बोलो क्या करेंगे। 19 वाला करेंगे कि 18 वाला? चलो 18 वाला एक और बार बता देता मैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला बोला हमारा? साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बोलो, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 है ना। हाँ अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 मेरा कितना आएगा देखो, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx लेना है। विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगा बोलो? 1 बाय 2 अलग करेंगे, 1 बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 dx, ठीक है। तो 1 बाय 2 का क्या आएगा बोलो, 1 बाय 2 का ये x बाय 2 हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, कॉस एक्स का साइन एक्स। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की आज? हेलो लोलो हेलो, अब बोलो कॉस एक्स का क्या आया? साइन माइनस की प्लस प्लस, चलो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना पहले से, तो क्या आएगा बोलो, ये माइनस साइन एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस सी, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके ये वाला 18th वाला, 19th वाला बोलो, 19th वाले में क्या करेंगे? 19th वाला वेरी सिंपल है, क्या करेंगे बोलो, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। बात सही है, बोलो क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करो। I इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या रहता है बोलो, 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हां कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। माइनस 3 कांस्टेंट है, cos x upon sin square x क्या रहता है बोलो, cos x upon sin square x cos x cot x, cos x into cot x रहता, क्या रहता, cos x into cot x, ठीक है dx। ओके बोलो पहले वाले का क्या आएगा, cos x square x का इंटीग्रेशन माइनस cot, माइनस 3 into cos x into cot x का इंटीग्रेशन, तो बोलो आंसर क्या आया, माइनस 2 cot x प्लस 3 कोसेक एक्स प्लस सी। अरे हाँ कि नहीं, समझा क्या? अरे समझा क्या? ओ ठीक है बोलो नेक्स्ट, बोलो नेक्स्ट नेक्स्ट। 20 वाला सट्टा है भाई सट्टा, बोलो 1 प्लस कॉस 2 एक्स किसकी फॉर किसकी वैल्यू है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ना, 1 प्लस cos 2x क्या रहता बोलो, देखो 1 प्लस cos 2x मैं वापस लिख रहा हूं, 1 प्लस cos 2x है ना 2 cos square x की वैल्यू है, और 1 माइनस cos 2x है ना 1 माइनस cos 2x, ये 2 sin square x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 1 प्लस cos 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो, अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx क्या हो जाएंगे बोलो, इंटीग्रेशन अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2x की जगह पे क्या आएंगे बोलो, 2 sin square x आएगा, क्या आएगा, ओ सॉरी 2 cos square x आएगा, क्या आएगा 2 cos square x dx, ठीक है। तो root 2 as it is आया, root 2 तो बाहर आया constant, और यहाँ पे cos x आएगा, cos x dx, तो cos x dx का क्या आएगा बोलो, cos x dx का root 2 as it is है, integration of cos x क्या आएगा, integration of cos x sin x, तो रूट टू साइन एक्स प्लस सी आया है ना। ऊपर देखो कॉस टू एक्स है और नीचे वन माइनस कॉस टू एक्स है, क्या करेंगे इसको, लिख रहे क्या तुम लोग? अरे लिख रहे क्या तुम लोग? मैं रुकू या आगे बढ़ेंगे बोलो?
बड़ो बड़ो हम लिखते चलते लिख रहे तुम पक्का? हाँ सर, फोटो निकाल के भेजू क्या? चलो लिख रहे ना, ठीक है। चलो मैं तुम पे भरोसा कर रहा। रुको सर, फोटो निकाल के भेजता, रुको। हाँ स्क्रीनशॉट तो ले लो एटलीस्ट। अरे सर सच में लिख रहे क्या? दिख रहा है? लिख रहे सर, राइटिंग लिख रहे क्या? ठीक है ठीक है। मैंने तीन सम सॉल्व किए ना, 18, 19 और 20। 21 में क्या करेंगे? cos 2x से cos 2x, cos square x माने sin square x लिखेंगे और नीचे नहीं नहीं मैं एक और सेटअप बोलूं क्या? ऊपर 1 माइनस 2 sin square, ऊपर प्लस 1 और माइनस 1 ऐड करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा डोलस सर। और माइनस 1 में से माइनस 1 प्लस cos 2x में से नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो तुम्हारा आंसर आया देखो x into 1 by 2 tan x plus c। सर हाँ मैं कर रहा, चलो मैं करता करता। हेलो हाँ बोलो, आवाज आ रही है? ऊपर है ना 1 minus 2 sin square और नीचे सिर्फ 2 sin square x, ऐसे क्या तो आपके आ जाएगा 1 minus 2 sin square x और नीचे sin square x लिखेंगे तो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो भी चलेगा। गुड, चलो डोलस हो गया क्या? अरे हो गया ना सर। ठीक है चलो देखो, अभी cos 2x है ना, cos 2x उसको क्या लिखेंगे हम? 1 minus 2 sin square x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 minus 2 sin square x और 1 minus cos 2x की वैल्यू क्या रहती है बोलो? 2 sin square x रहती। क्या रहती? 2 sin square x। अब अलग अलग डिवाइड करो, 1 upon 2 into sin square x हो जाएगा ये नीचे, minus 2 into sin square x divided by 2 sin square x हो गया, ठीक है dx। इंटीग्रेशन ये 1 by 2 as it is, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा? cosec square x dx हो जाएगा और ये 2 2 और ये sin square x कट गया, minus integration x dx, ठीक है। cosec square x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो? minus what x आएगा? minus x नहीं आएगा, माइनस एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे वन है, वन यहाँ पे वन है बोलो, एक्स आया प्लस सी, तो इन आंसर क्या है बोलो? माइनस कॉटेक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। दिस इज द आंसर आए, ये वाला 21 वाला। हाँ सर, 22 तो सबको लर्न ही रहेगा। हाँ सर, क्या करेंगे बोलो? ऊपर 1 को क्या पुट करने का? ऊपर को sin square x plus cos square x पुट करने का और फिर डिफरेंट अलग अलग करके डिवाइड करने का, sin square x into cos square x इंटीग्रेशन, ठीक है dx। ओके अलग अलग डिवाइड किया तो देखो इंटीग्रेशन sin square x divided by sin square x into cos square x, ठीक है, into cos square x dx plus इंटीग्रेशन ऑफ cos square x divided by क्या आएगा? sin square x into cos square x आएगा, okay, dx। यहाँ से cos square x cancel हो गया और sin square x cancel हो गया, 1 upon cos square x क्या आएगा? sec square x dx आएगा, ठीक है, plus ये cosec square x dx आएगा, okay? अब sec square x का क्या रहता? tan x रहता और इसका minus cot x plus c, okay? बोलो, आया ना सबके समझ में? ये तो simple है 22। 23 में क्या करेंगे बोलो? sin square 2x की वैल्यू बोलो, sin square 2x की वैल्यू 1 minus cos 4x upon 2। हाँ सही है, क्या बोलो? 1 minus cos 4x upon 2 है और इसके इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर? x by 2 minus sin 4x upon 8। upon 8 आएगा ना 8? हाँ 8 ही बोला। चलो ये ना, ये sin square 2x को लिखा है ना, हमारा वो वही फॉर्मूला देखो, मैं वापस लिख रहा हूँ, नमाज होगी, ठीक है। बोलो 1 minus cos 4x upon 2 है ना, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन तो देखो क्या क्या आएगा, ये 1 by 2 अलग हो गया, minus cos 4x divided by 2 dx, ठीक है, तो ये 1 by 2x आएगा, माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या था देखो? साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 आएगा और ये 2 एज इट इज है प्लस c, तो क्या हो गया बोलो? x बाय 2 माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, ठीक है, दिस इज द आंसर रिक्वायर्ड। ये किसका हो गया? साइन स्क्वायर 2x का हो गया। सिमिलरली देखो कॉस स्क्वायर 3x को अपन क्या लिख सकते बोलो?
वन प्लस कॉस सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय टू क्या लिख सकते हैं? वन प्लस कॉस सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय टू, बोलो फिर। वन बाय टू मतलब क्या हो जाएगा? एक्स बाय टू हो जाएगा प्लस साइन सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय ट्वेल्व प्लस सी, ये आंसर है ना? कहां तक हो गए तो उस दिन? कौन सा? अरे अभी तो बच्चों ने बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। अब बोलो 25th का कैसा करेंगे? साइन 4x इंटू कॉस 2x है, दो अलग अलग मेथड है इसके, बहुत बारी क्वेश्चन है। सर साइन 4 को 2 साइन 2x कॉस 2x, हाँ वैसे कर सकते, बहुत सही पहचाना। कौन है ये, कौन है भाई? आशुतोष, देखो ये साइन 4x है ना, इसको मैं क्या लिख सकता? देखो 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x लिखेंगे इंटू ये कॉस 2x एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन dx। ओके अब हम क्या करेंगे, ये 2 तो बाहर हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx हो गया। हाँ अब हम किसको t मानेंगे बोलो? cos 2x को मानेंगे, किसको मानेंगे? cos 2x को। तो हमारे dt क्या आएगा बोलो? dt माइनस साइन 2x इंटू 2 dt आएगा, ठीक है, सॉरी 2x dx आएगा, dx। तो ये देखो यहाँ पे 2 है, साइन 2x dx है, मतलब किसकी वैल्यू निकाल रहा मैं? 2 टाइम्स साइन 2x dx की वैल्यू क्या है बोलो? माइनस dt है, क्या है? माइनस dt। तो इसमें पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू माइनस dt हो गया, तो ये t माइनस एज इट इज t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का क्या था बोलो? t क्यूब बाय 3 प्लस c। t क्या है लेकिन? t cos 2x है ना, तो cos 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और दूसरा क्या कर सकते बोलो? दूसरा और क्या कर सकते इसमें? और अलग आंसर आ सकता, कब आएगा बोला अलग आंसर? सर वो sin a plus b cos a plus b वाला फार्मूला, sin a cos b का फार्मूला मालूम क्या? sin हाँ, a cos b का कुछ फार्मूला है क्या अपने पास? बोलो 2 sin a cos b कब रहता? 2 sin a cos b कब रहता बोलो? sin a plus b minus sin a minus b पे ना, हाँ तो वो वाला यूज भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। देखो मैं लिख रहा 2 sin a cos b की वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला? 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला है? sin of a plus b, sin of a plus b minus sin of a minus b, है ना, और इसमें a तुम्हारा 4x और b 2x है सर, बीच में प्लस है, प्लस रहता सर बीच में प्लस आएगा, हाँ प्लस आएगा, प्लस वो cos sin भी रहता ना तो बीच में माइनस रहता, बराबर है, बराबर और प्लस है प्लस, तो क्या हो जाएंगे बोलो? ये अपना डिवाइड वाला 2 एज इट इज, मैं दो इसलिए निकालना तुमको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो जिस क्वेश्चन के दो आंसर रहते ना वो क्वेश्चन क्या बोलो? इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे साइन 6x हो जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता? साइन 4x इंटू साइन 2x को, ये 1 बाय 2 एज इट इज, ये क्या हो जाएंगे बोलो? साइन 6x, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी प्लस, क्या हो जाएगा बोलो? साइन 2x, साइन 2x, फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे अलग अलग dx, तो ये 1 बाय 2 एज इट इज। साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6, और साइन 2x का क्या आएगा? अरे कर रहा कि नहीं बराबर बोलो? आया आंसर, ठीक है, ओके। 26 देखो, 26 क्या हो जाएगा? 26 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, साइन x इंटू साइन, ये है ना cos a माइनस b, ये किसका फॉर्मूला रहता है? ये cos of a माइनस b माइनस cos a प्लस b ना, सही है। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, बोलो।
बोलो क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई बोलो ना, आंसर क्या आया तुम्हारा? साइन टू एक्स बाय फोर माइनस साइन फोर एक्स बाय एट प्लस सी। ठीक है, डोलस डोलस मुझे ये बोलो पहले फॉर्मूला बोलो, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब इसमें से तुम ए और बी कोई भी चॉइस कर सकते हो ना, तो ये ए ले लो और ये बी ले लो। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है डीएक्स, लेकिन इसको टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। ये टू से टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रहता, तो ये वन बाय टू बाहर हो गया। हाँ, तो क्या आएगा देखो, वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस टू एक्स हो गया। क्या हो गया? कॉस टू एक्स माइनस कॉस फोर एक्स, ठीक है, डीएक्स। ओके, तो ये वन बाय टू एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स क्या आएगा बोलो? साइन टू एक्स बाय टू, और ये माइनस साइन फोर एक्स बाय फोर प्लस सी। ठीक है, अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 सर। हाँ, ये जो चार फॉर्मूले रहते ना ऐसे, उसमें कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। सॉरी आवाज नहीं आई, सच बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हेलो, हाँ बोलो सर। इसमें ये जो चार फॉर्मूले रहते ना, इसमें कंडीशन रहती है कि ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। आपके आवाज यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ है। ओके, बोलो अभी नेक्स्ट बोलो, मेरे को मैसेज करो तुम इसमें चैट बॉक्स में क्या बोल रहे, मेरे को सच में सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे आप लोग। आपको वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, कम चैट बॉक्स में लिखो, मैं चेक करता। ठीक है, तब तक 27 वाला सॉल्व करो। 27 27 में सेम करेंगे ना, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे, और वो किसका फॉर्मूला था बोलो? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का था ना, माइनस नहीं प्लस आता इसमें, प्लस। ये जो फोर फॉर्मूले है ना, उसके लिए कंडीशन होती है ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ सही है, सही है, ये एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी रहता उसमें। और ये वाला फॉर्मूला देखो, मैं लिख रहा टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी रहता ना, इसका क्या फॉर्मूला है देखो, क्या रहता? टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लिख रहा मैं, टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वन बाय टू आएगा, क्या आएगा? वन बाय टू आया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है था बोलो, कॉस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एट एक्स हो जाएगा प्लस कॉस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, डीएक्स, तो ये वन बाय टू एज इट इज। कॉस एट एक्स का कितना आएगा बोलो? साइन एट एक्स डिवाइडेड बाई एट प्लस कॉस टू एक्स का कितना आएगा? साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। सही है, वो चार फॉर्मूला है ना, जो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, उसके लिए ए इज ग्रेटर देन बी रहता। ठीक है, ये कौन बोलता देखते, ये वाला बहुत बारीक क्वेश्चन है, 28 मैंने सॉल्व कराया है, सॉल्व कराया है ये वाला। साइन रेस टू फोर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होल रेस टू स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट करेंगे? 1 माइनस कॉस टू एक्स। ओके, गुड गुड, बहुत सही। चलो सॉल्व करके देखो क्या आ रहा आंसर, बोलो आंसर क्या आ रहा बोलो। ठीक है, देखो वापिस एक बार बता रहा मैं अभी, ये देवराज बाहर अंदर बाहर क्यों कर रहे भाई देव तुम?
देवराय व्हाट हैपेंस व्हाई यू अनस्टेबल वीरेंद्र डिकोले इट इज नॉट फॉर 11th ओके इट इज द लेक्चर ऑफ 12th स्टैंडर्ड वीरेंद्र डिकोले ये सानिया पठान कौन है भाई हु इज दिस सानिया पठान बोला अभी ये क्या करने वाले हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे ना और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं बोलो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ठीक है तो ये 1/4 बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस क्या आएगा बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 टाइम्स कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx ठीक है अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो 1/4 का इंटीग्रेशन ये dx के साथ आएगा फिर ये माइनस 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx हो जाएगा फिर ये हो जाएगा मेरा प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx और ये कॉस स्क्वायर 2x को तुम क्या लिख सकते हो बोलो वापस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 तो सब सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया 3/2x माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x बाय 3/2 कैसे आया रे तेरा देख इधर 1/4 था ना और इधर 1/8 आएगा ना 1/8 हां 1/8 आया 3/8 बोल रहे क्या तुम डोलस कितना हो गया 1/8 हो गया ना और ये x बाय 4 प्लस ये x बाय 8 कितना हो जाएगा चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इंपॉर्टेंट सम है व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इसको एक मिनट ठीक है देखो हमें क्या चाहिए बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x dx चाहिए ठीक है तो हमने क्या किया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर किया dx किया ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर dx ठीक है तो ये पहले 1/4 बाहर आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर हमने किया 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx है ठीक है अब बोलो अब ये 1/4 अभी एज इट इज रखते अपन ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ देखो ये इंटीग्रेशन दे देते इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो जाएगा ठीक है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx ठीक है ओके तो ये 1/4 बाहर है अपना एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा x आएगा ठीक है माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 आएगा ठीक है प्लस ये cos square 2x का मैं ले नहीं सकता इसलिए मैं इसको क्या पुट करूंगा बोलो 1 plus cos 4x divided by 2 dx किया ओके ठीक है तो अब देखो आगे आगे क्या हो जाएगा ये 1/4 as it is ये x as it is ये 2 कैंसिल हो गया ना फिर यहाँ पे minus sin 2x बचेगा क्या बचेगा sin 2x plus इसको इंटीग्रेशन अलग अलग करो 1/2 dx plus इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x divided by 2 dx ठीक है ओके अब देखो ये 1/4 बाहर वाला एज इट इज है इंटीग्रेशन अंदर क्या क्या हो गया देखो x माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x प्लस ये x बाय 2 हो जाएगा ये x बाय 2 हो गया ना इसका ठीक है और cos 4x का क्या हो जाएगा देखो प्लस ये 1/2 एज इट इज cos 4x का हो जाएगा तुम्हारा साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 ठीक है प्लस c अब ये 1/4 मल्टीप्लाई करो अंदर ये x प्लस x बाय 2 कितना हो गया 3x बाय 2 हो गया ना यहाँ पे और एक बार लिखता देखो स्टेप 3x बाय 2
ये माइनस साइन टू एक्स प्लस साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाय एट, ठीक है, प्लस सी, ये वन बाय फोर अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बोलो, थ्री एक्स बाय एट माइनस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर प्लस साइन फोर एक्स डिवाइडेड बाय थर्टी टू प्लस सी, ये नोट करके रखो बच्चों। अरे समझा क्या अभी, बोलो सबको। ठीक है, नोट किया क्या? ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, सर। हाँ बोलो सर, वो आपने जो थर्ड स्टेप में किया ना, उस स्टेप में हम 1 प्लस cos square 2x को डायरेक्टली cos 4x लिख सकते हैं। 1 प्लस नहीं नहीं सॉरी सर, 2 नहीं, वहां पे समझे। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। अभी cos 4x का आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसे सेम करेंगे जैसे अभी हमने किया है। ठीक है, अभी ये क्लियर कर रहा मैं अपना क्वेश्चन, कौन सा चल रहा, देखो नेक्स्ट वाला, ये साइन 4x हो गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन x, बोलो ये कितने लोगों को पता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लिख सकते हैं बोलो। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख रहा, देखो ध्यान से। हाँ, अगर अंडर रूट मेरा 1 प्लस साइन 2x रहेगा ना, साइन 2x, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता, देखो cos x प्लस साइन x, क्या लिख सकता मैं, cos x प्लस साइन x, और जब अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x रहेगा ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, cos x माइनस साइन x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x। अब यहाँ पे साइन 2x की जगह पे क्या है बोलो, साइन 2x की जगह पे x है ना, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन x का क्या आंसर आएगा बोलो, cos x by 2 plus sin x by 2 आएगा ना। अरे आ कि नहीं, बात समझ में आ रही क्या, देखो मैंने क्या किया, 1 plus sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x plus sin x, ठीक है। सिमिलरली 1 minus sin x को हम क्या लिख सकते बोलो, cos x minus sin x भी लिख सकते, या फिर अगर अपने को कन्वीनियंट है तो sin x minus cos x भी लिख सकते, ठीक है। जैसे कल भैया ने वो शाम वाले सम में किया था ना, कल रात में एक सम किया था भैया ने, जहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू भैया ने ली थी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिया था, ठीक है, तो वो अपने कन्वीनियंट से अपन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन प्लस रहेगा तो कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स रहेगा ना। अब यहाँ पे x है, 2x के लिए x आता, तो x के लिए क्या आएगा बोलो, x बाय 2 आएगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को अपन क्या लिख सकते बोलो, फिर कॉस एक्स बाय 2 dx प्लस साइन एक्स बाय 2 dx, cos x by 2 का क्या आएगा बोलो, sin x by 2 divided by 1 by 2 minus sin x by 2 का क्या आएगा, cos x by 2 divided by 1 by 2 plus c, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2 times sin x by 2 minus 2 times cos x by 2 plus c। अरे आया क्या आंसर, यस। सानिया पठान कौन है ये भाई, यस लड़की कौन है, ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट, थर्टी वाला करो, थर्टी वाला, 3 प्लस 4 साइन 5x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 5x, डिनोमिनेटर अलग अलग ले लो,
हाँ बोलो जरा, पढ़ाओ पढ़ाओ बाद में बात करते, पढ़ा लो आराम से। आप लेंगे तो उधर सर को बोल के रखो थोड़ा आराम से। मैं आज लेट आ रहा हूं। बच्चों कौन सा सम करो मैं कहां तक हो? हाँ चट्टी, अरे ये सब किया ना यार इससे, यार ये मेरे को लगता है ये सब किया है इसने, ये सब केले थे, किसने किया था? तंबुली सर ने किया है सर ना, अभी अभी क्यों कर रहे कौन सा कर मैं अभी सर नंबर नहीं नहीं मेरे को बोलो ना तुम्हारा कहा था थर्टी फर्स्ट ना, थर्टी फर्स्ट कैसे करेंगे बच्चे लोग सेपरेट करो, चलो तुम बोलो हिसाब से करते हैं, जल्दी बोलो फोड़ा फोड़ी सेपरेट किया ना, कॉस्ट रेस कट हो जाएगा ना, बरोबर है। नेक्स्ट वाला फोर एक्स कट होगा, सेक थ्री एक्स टेन थ्री एक्स हो जाएगा। हाँ बोलो ओ बच्चों लोग, ये पूरा ऐसा लिखना पड़ता है e by 4 पूरा x, मालूम है ना? मालूम है क्या? ओ और sec का इंटीग्रेशन बोलो क्या? sec x आएगा सर उसका आंसर, sec x tan x का इंटीग्रेशन बोलो ना, sec x। आवाज नहीं आ रहा मेरा, म्यूट देख क्या मैं क्यों नहीं आ रहा है? बोलो और ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग टी, अपॉन आज रात को मैं 10:20 से लेके 1:20 तक पढ़ाने वाला मैथ्स ऑनलाइन। हाँ ये तो मैंने किया, ऑफिस नहीं करता उस दिन अमर अकबर तो नहीं किया था ना, मैंने याद है क्या? ये तीन सम है, वापिस सम लिख के देता तुम सॉल्व करो, एक साइन एक्स कॉस एक्स है और एक अगर नहीं किया किसी ने तो कर लो साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स है। कितने लोगों ने किया है? किया सर, एक बार मैंने किया था पूरा, अभी मैं 33rd कर रहा। बोलो 33rd का क्या आंसर आएगा? बाय और टीचर ट्रेनिंग का वर्कशॉप जरा इसमें चालू कर। ऑस्टिन Austin, where are you, man? Austin, where are you? ये साइंस कर ऊपर है तो? कोजेक्स कर के इंटीग्रेशन बोलो। सर स्क्वायर किधर है आपका? वकील सब किधर है? रूट है, रूट। रूट के बाहर है ना? हाँ, रूट से निकल जाएगा वो। मैं देख रहा तुम्हारे ध्यान है क्या? हाँ। लॉग क्या है? क्या बात है, क्या बात है, डाल बात है, उमंग रात छोड़ गया है। बोलो निक समूल गया। हाँ 34th बोल। 2 sin square 2x minus 1 दू के लग के देखो तू 1 minus 2 sin square। cos 4x का फॉर्मूला क्या है? गधड़े है cos 4x का फॉर्मूला, बच्चा लो वापिस से क्या फायदा गधे? हाँ तो वो वापरना पड़ेगा ना, वो कब बोलेगा तू? गलत नहीं बोल रहा था? चांडा झगड़ा बोला, चांडा झगड़ा बोला। तो क्या लगेगा बोल? देख ऐसा आएगा उसका, बोल बोल जल्दी बोल, वकील
नहीं रे बाबा तीसरा फॉर्मूला बोलना वन माइनस बोल जल्दी बोल वन माइनस वो चौथा फॉर्मूला है तीसरा देख पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तीसरा फॉर्मूला कैसा है तेरा अच्छा तीसरा फॉर्मूला क्यों ऊपर है बच्चों लोग मैं कौन बोलेगा जो ट्रिग्नोमेट्री में डॉन नहीं है वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता याद रखो भाई पवार आया इसको सब क्लियर कर रहा मैं क्लियर है क्या एंड्रॉइड में क्लियर है भाई क्लियर एकदम क्लियर है भाई आवाज क्यों नहीं आ रहा बच्चों का हेलो ओ जुनून भाई जुनून ओ जुनून मैं कर दूँ क्लियर करो ना यार जुनून भाई जरा आवाज नहीं आ रहा बच्चों का आवाज नहीं आता मजा नहीं आती यार पढ़ाने में कैसा पैशन होता है पैशन ऊपर लो यार पेज को 35-36 लाओ ऊपर लाओ सब जुनून हाँ बस 35-36 दिखाओ ना सर बस बाकी सब कहते लगा दे बोलो बच्चों कौन बोलेगा 35 ए प्लस बी के फॉर्मूला से सेपरेट कर आवाज फुल नहीं है इसमें एक्सपेंड करके करेंगे छोड़ के फुल नहीं यार मैं तब से वो बोल रहा है तुम मैं यार जुमले बदल देखो मुझे फुल नहीं है मैं तब से बोल रहा अभी फुल हो गया मेरे को मालूम रहता ना यार सब बंद करो इको रहा इको माइक डिसेबल प्लीज डिसेबल माइक प्लीज पे अटेंशन गाइस क्या करे भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो बोलो ना सदर मैम को बोलो सब स्टेटस पे डालने के लिए बहुत लोग को मेरे स्टेटस पे टीचर्स ट्रेनिंग का लिंक डालो वो तो मिला नहीं बोलो ना फॉर्मूला बोलो ना क्या करना है जरा बोलो बच्चों लोग फोड़ा पूरी के कामा ये और एक कट होगा तो बस तक कॉस बीटा एक्चुअली मैं सेपरेट करके लिखता जरा बच्चों को समझता नहीं करके पता नहीं यार मेरे को मजा आती है लिखने को इंटीग्रेशन में स्टेप खाने को मजा नहीं आती मेरे को आदत पड़ गई ना आदत को तोड़ना पड़ेगा तो साले को आदत तोड़ दे यार क्या बोलेगा कॉस बीटा के साथ कुछ नहीं रहेगा डीएक्स के साथ इंटीग्रेशन है समझा क्या समझा गया भाई और बाहर साइन बीटा आएगा भाई कॉट एक्स आएगा भाई dx इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है भाई क्या लिख देगा बोलो आगे क्या है इंटीग्रेशन बोलो अभी सत्ता बताओ कल के सर अभी मैं अगर एग्जाम देगा इंडिया का क्या मेरे को पहले स्टेप में आंसर मालूम है क्यों बोलो मैं क्या ढूंढेगा कौन बताएगा मैं क्या ढूंढेगा सत्ता जब मैं ये सम को सॉल्व करूंगा मुझे मालूम है साइन एक्स के बाद कॉस बीटा आएगा है ना सम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं तो क्या आएगा साइन एक्स कॉस बीटा नीचे साइन एक्स है नीचे क्या है तो साइन एक्स कट होगा मुझे पता है कॉस बीटा बाहर आएगा तो मैं ऑप्शन में एक्स कॉस बीटा ढूंढूंगा मैं हंसरा दिखता नहीं मेरे को मैं क्यों दिख रहा तुमको दिख रहा है मेरे को नहीं दिख रहा मैं हाजिर स्क्रीन शेयर चल रही है सर अरे जानते स्क्रीन शेयर चलना था ना किधर स्क्रीन शेयर उसके लिए नहीं दिख रहा क्या हंसने में मजा आती बन गया देख कितना भारी हंसता मैं अभी बोलो इसका बोलो इसका क्या सट्टा ढूंढेगा मैं उसका एक्स साइन एक्स में एक्स के साथ साइन आएगा बस कॉस एक्स कॉस ए आएगा ना
cos x cos x करूंगा तो डायरेक्टली आंसर लिखो क्या मैं क्या लिखूं x cos a cos a आगे बोलो आगे डायरेक्ट आंसर बोलो प्लस इमेजिन करो ना cos a cos b माइनस sin a sin b बाहर माइनस आएगा sin a sin b वो sin a भी बाहर आएगा log और ऊपर क्या है sin है ना नीचे इंटीग्रेशन tan क्या आएगा sec sec log sec sec आएगा sec इंटीग्रेशन tan क्या है log sec log mod sec log sec x है ना log mod sec x plus t हां कभी कभी आंसर में दिखेगा नहीं कभी कभी प्लस होगा यहां प्लस साइन रहेगा और यहां पे log ऑफ क्या रहेगा cos ऐसा आंसर रहेगा कितना समझ में आया डायरेक्ट कैसे क्या मैंने हां ये डायरेक्ट डायरेक्ट सीखने का बड़ा है गुड़िया गुड़िया के खेल खेलते नहीं बैठेगा नीचे क्या सेव करो क्या बस 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 क्या क्लियर बच्चों सत्ता बच्चों सत्ता ऑप्शन में है वो कैसे पढ़ाई करने का एक मिनट देता तुमको मैं टिक टिक वन टिक टिक टू एक मिनट होने का बोला देखो बराबर एक मिनट होने का बोलो काट कौन बोल रहा आंसर क्या अरे आवाज करो चलो करो ना आवाज फर्स्ट ऑप्शन क्यों फर्स्ट ऑप्शन क्यों सर ये लॉग के प्रॉपर्टी से बेस का ये हो जाएगा ना ये लिख नहीं पा रहा यार ये देख एक मिनट हो गया बच्चों ने आंसर बोल दिया ना एक तो बच्चे ने आंसर बोलना चाहिए हाँ ये हो जाएगा ना ये हाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये नीचे उतर जाएंगे ना कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा ये ई रेस टू लॉग अनीस टू द बेस ई अनीस रहता और ये कितने लोगों को मालूम है एक्स रेस टू लॉग वाई टू द बेस जेड वाई टू द लॉग जेड रहेगा एक्स रहेगा इसको बोलते हैं फॉर्मूला इस फॉर्मूले से एक्स रेस टू आ जाएगा अभी इसका आंसर क्या आएगा हाँ मेरा ये बोलना है ये तुमको किधर दिख रहा है ये किधर दिख रहा है और किधर किधर दिख रहा है और कौन से ऑप्शन में दिख रहा है डी में डी में तो ये बी और सी एलिमिनेट करोगे ना तुमने डी 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 में दिख रहा है और ए रेस टू एक्स अपॉन क्या आएगा लॉग ए तो ये आंसर है उसारे बच्चे स्पैंडन वेलकम टू अनीस क्लासेस सेकंड वाला बोलो बी ऑप्शन है तो बेसिक है ना तो इंटीग्रेशन सिर्फ सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा और सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है बच्चों लोग टैन एक्स बोलो तीसरा सम कौन माइक लगा तीसरा सम भाई हमारे जुनून भाई इधर नीचे जाना भैया पहला दूसरा समझा दो हाँ ऊपर है ना तीसरा दर्द है तीसरा हाँ बाकी सब डिलीट करो बस सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन ए सड़ा सड़ा उधर से बोलो ग्रेड क्या तो ऐसा क्या ग्रेड बता रही हाँ क्या 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 सेव वीकेंड्स make notes and share with the students sir how kar rahe na sir sir bhi kar raha hai aapko bhi karna hai sabko karna hai ha sir sir i'm very sorry today bahut logo ko marketing kiya tha lekin kuch problem hua kal dobara thoda acche se karenge bahut log join hone wale bahut log ka mereko call aaya zabardast marketing kiya tha maine so anyway jo kuch hota hai wo allah ki taraf se hota hai apne haath mein kuch nahi hai theek hai continue तो सारे स्टूडेंट्स को बोलो उधर सर सबको नोट शेयर करने बोलो ओके सरजीत सर आएंगे सबको नोट शेयर करने बोलो ग्रुप में देखो सुनो बाहर बैठ के अभी मैंने जो सम्स किया ना डायरेक्टली सम सेव करके ग्रुप में डाल सकते
तो तुमने का ग्रुप में डाले? ग्रुप में डालो ना, नहीं समझा, वो शिकारी हो। आज मैं 1:20 से लेकर रात को 10:20 से 1:20 तक ले रहा, तुमको रहना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ फिर, और सारे नोट्स डालना पड़ेंगे। हाँ देखा, मैंने कब नहीं दिया तुमको ओवर टाइम? ये आंसर बोलो। अरे अभी ना तो रूट टू किधर देखेगा भाई? रूट टू किधर है देखो यारा, चलो किधर किधर है? इधर है ना, तो पहले ऑप्शन को मार दो गैप, फुल्लिंग गैप तेल लगाते। अभी कॉस कॉस एक्स बाय एट का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपन 1 बाय 8 ना, तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। 8 रूट 2 किधर है? 8 रूट 2 सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन ना। नेक्स्ट सम किसको है? नेक्स्ट सम बी ऑप्शन है सर उसका। मैं जरा ऊपर लाना है यार, आमिर भाई, आमिर भाई बोल रहा हूं, क्या नाम है? बोलो बच्चों लोग, बोलो क्या आंसर है? बी बी सर, 2x प्लस बी रेस टू 2x प्लस 2 ए रेस टू x बी रेस टू x डायरेक्ट करा, सबके नीचे लग रहा है। मैं क्या बोल रहा, ये हो गया रेगुलर मेथड, सट्टा वाला क्या हो गया सर? वो जो इधर मैं क्या सट्टा लगेगा वाला क्या, आखिरी में मेरे को 2 आएगा। चलो हमें 10 मिनट बाकी है, कचरा हो गया उसका बिल्डिंग का, आईडी चेंज करना पड़ा। ए भाई ये कट करो ना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो यार। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? लिखो चमका, चमका लिखो चमका, अरे चमका तो लिखो यार कम से कम। बहुत मजा आ रहा बच्चे लोग, बहुत मजा। अभी देखो ना ये इसका इंटीग्रेशन करते नहीं बैठने का, अपने को देखने का भाई 2x किधर आया, इधर आया तो ऑप्शन है राइट। जो इंटीग्रेशन पूरा करेंगे ना वो येड़ा भिखारी एंडे पास नहीं आएगा। क्या हो गया? बोलो बोलो बच्चों आगे बोलो, इसका नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाले का आंसर डी। बहुत मार खाया तू, क्या क्या तुमने? हाँ राइट है, देखो रूट एक्स कॉमन लेने का, रूट एक्स उसको स्टॉपर लगाओ, छोटा छोटा काम रहता है, लगाओ स्टॉपर। ये अटेंड करो, बहुत भारी बता रही, तुम अटेंड करो, अभी बहुत भारी आइडिया बता उसने, उदय सर ने उसको ग्रेड बोला। हाँ देख ना, उदय सर को बहुत भारी आइडिया बता, यहाँ पंगड़ा हुआ रूट एक्स के मेरे बोला 2/3 3/2 ना, तो ये 2/3 एक ही जगह दिख रहा, तो ये सट्टा हो गया। समझ में आ गया कितने को? समझ में आ गया क्या कर रहे हो? चमका बोलो चमका, जादू तेरी नजर बोलो, नहीं तो कैसे हुआ बोलो, कुछ तो बोलो। नेक्स्ट करो सर, नेक्स्ट सेव 4, 5, 6, 9, 8, 7 पांचवा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा, छवा छवा सन और ऊपर। बोलो अच्छा लोग, कौन माइकल जो सट्टा बोलेगा भाई, इसका सट्टा क्या है? मैथमेटिक्स का एक सट्टा ये है कि जो कॉमन निकलता ना पहला, वो कॉमन बाहर निकालने का। ये कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है, जो लोग बोला बोला बच्चे लोग कॉमन निकालो ना यार, इरेस्पेक्टिव टू इरेस्पेक्टिव कॉमन निकालो, बचेगा क्या?
बराबर आहे का आता इथं ई रेस्ट एक्स लिहायचं आणि हा वन अपॉन ई रेस्ट एक्स झाला की तर काय होणार तू सांग तू सांग की सांग रे बाबा सांग 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 हे पण ई रेस्ट टू एक्स प्लस वन येणार समजा घ्या पूरा अल्जेब्रा का खेल है भाई और ई रेस्ट टू एक्स प्लस वन और नीचे जो है ना वो ई रेस्ट एक्स बचेगा इसका एंगड़ा पंगड़ा हो गया ई रेस्ट टू फोर एक्स हो गया ई रेस्ट टू फोर एक्स का इंटीग्रेशन बोलो किधर है ऑप्शन ए ऑप्शन नेक्स्ट हमको ऑप्शन बोलो बहुत बार सीखा है तुमको मैंने सट्टा आप जल रहे हैं हाथ धोए नहीं डी आएगा डी बोलो ना इसका सट्टा क्या रहता है ऐसा रहेगा तो क्या सट्टा रहता है ये आता सर डी ऑप्शन ऐसा जब भी रहता ना तो बच्चे लोग ए बाई सी आता बाहर क्या और बाहर क्या आता ए डी माइनस बी सी अपॉन और साथ में क्या था लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बराबर है क्या अभी ए बाई सी एक्स किधर देखो ना ऐसा फोर अपॉन टू किस तरह टू ना टू एक्स किधर है एक ही जगह है हो गया काम आगे सॉल्व करते हुए नहीं कितना समझ में आया पहली बार समझ में हमारे ये बोलो ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम ए बी रेस टू एम होता तो ये फोर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन उसका डी बोलो उसका इंटीग्रेशन बोलो ना फोर ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग फोर ई ना लॉग फोर ई आंसर आएगा लॉगी पर रहता ना सही है अरे समझा क्या हो इसको क्या करेंगे बोलो देखो ये वो भी बहुत बोल रहा मैं कि ये जो फोर ई रेस टू एक्स का जो इंटीग्रेशन है ना वो सारे बच्चों को नहीं समझ में आया उसको अपन ऐसे लिखते हैं फोर ई पूरा ब्रैकेट रेस टू एक्स अपॉन लॉग फोर प्लस लॉग ई लॉग ई टू द बेस क्या रहता वन इसके लिए वन आया समझा गया 14 का क्या 14 का बी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है 14 का हाँ देखो सर कैसे क्लियर करने का सर ये जो सेव करते ना अपन ये जो सेव करते अपन जुनून भैया ये अपन डाल सकते क्या ग्रुप पे कब डालेंगे बोलो बच्चों लोग बोलो ना और ये देखो एक बात याद रखो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा क्या शाम को शाम को मैं एनटीए के जो पेपर्स है ना मेरे पास उसमें के जो इंपॉर्टेंट सम कर रहा हूँ क्या बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन को ऑप्शन में रखे ले आते ही नहीं लेक्चर को उनको लगता है इंटीग्रेशन करो तो पाप लगता हो बोलो सर अपने को हर एक में से सम करने का एक 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 करते जाने का एनटीए में का है ना देख क्या बोल रहे मैं कुछ समझा नहीं मैं एकदम लास्ट में चाहिए मैम क्या हुआ क्योंकि काफी लोग मार्केटिंग में था काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पाए कल चेक कर लो कुछ गड़बड़ नहीं हो कोई बात नहीं होते रहता मैम सारे गड़बड़ करने वाला मैं जो हूँ मैम इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ कोई बात नहीं
बोलो राइट आंसर. हाँ इसका आंसर 15 बोला 15 15 का डायरेक्टली cos square x था ना, cos 2x plus sin 2x का होल स्क्वायर था. cos 2x बाहर आया तो डायरेक्ट इसका बोला 16 का बोला जल्दी 16 का अरे बाबा नीचे 1 माइनस cos x है ना, तो नीचे 1 माइनस cos x का क्या फॉर्मूला है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 बराबर ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो cos x square x by 2 का इंटीग्रेशन क्या है, हाँ minus cot बोलो ना यार minus cot x by 2 upon 2 ना, तो half of cut हो गया तो सिर्फ minus cot x by 2 आएगा. किधर ऑप्शन किधर है, ये रहेगा है क्या, क्या हुआ क्या हुआ, हाँ नहीं समझ में आ रहा मेरा, हाँ डिवाइस बड़ा बना दे, ये ऑप्शन नहीं है, क्या करना पड़ेगा तुमको, मैंने क्या रैशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं आएगा नहीं आएगा.